कहाँ पे हैं? जयपुर में बहुत बढ़िया लगने के लिए और जयपुर को यहाँ से देखने के लिए ये किला बनाया था, यहाँ पर उनकी नौ रानियाँ रहती थी। तब इस टाइम बोल रहे टाइम बता देते हैं, टाइम हो रहा है 9:05 और आज का डेट। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आपने कल व्लॉग देखा था वो हम लोग निकल चुके थे घूमने के लिए, अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन कवर करने के लिए। तो मैंने आपको उस व्लॉग में बोला था कि हम लोग जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट, बट जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो मेरे को याद आया कि ये नाहरगढ़ फोर्ट है, मतलब हम लोग नाहरगढ़ जा रहे हैं, जयगढ़ बाद में जाएंगे, तो वो मेरे से गलती से हो गया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो आज आपको पूरे व्लॉग में नाहरगढ़ फोर्ट का ही व्यू मिलने वाला है, देखने वाले हैं आप। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। नाहरगढ़ फोर्ट जा रहे हैं। वैसे शाम तक इसका निर्माण करवाते और रात को दीवार गिर जाती थी। अच्छा। तो महाराजा ने बड़े परेशान हुए कि यार ये हो क्या रहा है, इसको बनवाते रात को दीवार गिर जाती है। तो एक दिन रात को सपने में नरसिंह अवतार आए और उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ पे स्थान है, या तो तुम मेरा यहाँ मंदिर बनवा दो छोटा, उसके बाद तुम कुछ भी निर्माण करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। राजा सवाई माधो सिंह जी ने पहले उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाया पीछे और फिर इसका निर्माण किया और उनके लिए यहाँ से आगरा रोड पे उन्होंने जो इसका नाम है उन्हीं के नाम पे रखा, इसलिए इसको नाहरगढ़ फोर्ट कहा है। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार। अच्छा, हिरण्य कश्यप की मदद की है। बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है वाओ स्किन साइंस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट प्योर ऑयल। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपसे बता देती हूँ कि एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है। बहुत सारे कोकोनट ऑयल होते हैं, आपने बहुत सारे कोकोनट ऑयल के बारे में सुना होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है उसको बहुत ही कम प्रोसेस के बाद, मतलब बहुत कम प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत ही कम वो केमिकल से मिल करके बना होता है, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे इस कोकोनट ऑयल की क्या खासियत है और आप इसे किस किस अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं अपने डेली यूज में। तो चलिए सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल में आता है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट है ये, 449 रुपीज का है और जो इसकी नेट वॉल्यूम है वो है 400 ml, तो काफी अच्छी क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा बॉटल है और इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है स्किन साइंस एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल प्योर एंड नेचुरल एंड रिच एंड नरिशिंग ऑयल। तो चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले इसे आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस ऑयल को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ ऑयल है, आप इसे खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इससे बच्चे की मालिश कर सकते हैं, आप इसे अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको अपना मेकअप रिमूव करना है तो भी आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, आप इसे ऑयल पुलिंग की यूज़ में भी ला सकते हैं और अगर आप अपना हेयर मसाज करना चाहते हैं तब तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं। अगर आपके डैंड्रफ हो गई है तो इस ऑयल में आप कुछ बूंदें नींबू की डाल लीजिए, मतलब लेमन की कुछ बूंद डाल दीजिए और उसके बाद फिर आप उसको अपने बालों पे लगा लीजिए। ये कोकोनट ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री है, 100% ट्रांस फैट फ्री है एंड ये अनरिफाइंड अनब्लीच्ड है।
आप इस ऑयल को बॉडी मसाज ऑयल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नहाने से पहले आप अपनी फुल बॉडी में इसको अच्छे से मसाज कर लीजिए, देन फिर आप शावर ले लीजिए, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, इसको अब मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ कि इसको आपको किस तरह से यूज़ करना है। देखिए, मैंने कुछ बूंदें अपने हाथ में ले ली है ऑयल की और मैं उसको अपने स्कैल्प में लगा रही हूँ। इसी तरह आपको अपने पूरे बालों में मसाज कर लेना है। तो वाओ स्किन साइंस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल और किसी तरह का एक्स्ट्रा कलर नहीं होता है। इसमें जो QR कोड है इसको आप स्कैन करके देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि फेक है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वाओ स्किन साइंस की जो ऐप है वहाँ बहुत सारे अलग अलग ऑफर्स चलते रहते हैं, तो मैं वाओ स्किन साइंस की भी लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। चलिए अब अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ किला और यहाँ पे पीहू को थोड़ी सी भूख लग गई थी, उसने बनाना देखा तो उसका मन हो गया था, तो मैंने पीहू के लिए यहाँ पे बनाना लिया है और यहाँ पे फ्रूट चाट भी हम लोग बनवा रहे हैं। बाकी सब लोग आगे निकल चुके हैं, अब हम लोग भी पीछे से जल्दी से दौड़ के जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बोल रहे थे 5 बजे आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी। माशाल्लाह जी, तो देखने के लिए नासा के स्पेस शटल के अंदर एंटर करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, राजपथ से वॉक शुरू करेंगे, राष्ट्रपति भवन आएंगे, APJ अब्दुल कलाम को उनके कैबिन के अंदर देखेंगे। अब इन तीनों का टिकट मिला के 500 रुपीज पर पर्सन का होता है। 30 से 35 मिनट के टूर में कहीं पर भी फोटोग्राफर के। तो यहाँ पे देखिए कठपुतली का डांस हो रहा था, वो मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी आप लोगों के लिए, तो देखिए कैसा लग रहा है। ये शुद्ध पानी होता था। अभी तक का व्लॉग देख करके आप लोग को कैसा लगा? और आप लोग के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप भी जयपुर से हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स को पढ़कर। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं नाहरगढ़ के किले में। ये किला बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको आगे भी मैं व्लॉग में दिखाऊँगी बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने कर लिया था गाइड जिन्होंने उसके इस किले के बारे में सब कुछ बताया है। और ये किला बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और पेशेंस भी चाहिए, थोड़ा सा आपको स्टैमिना भी स्ट्रांग होना चाहिए, खा पी के आइए और इसके बाद आप पैदल आप पूरा फोर्ट अच्छे से घूम सकते हैं। यहाँ पीहू भी आराम से घूम रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। सेगवे राइड बोलते हैं मंकी। अच्छा, ये 9 महल बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, वो भी 2 हैं जो जिनको बंद है, हमेशा वाला नीचे वाला सर्दी का ऊपर वाला गर्मी का, ऊपर और नीचे जाने को है ऐसे कैसे पूरे मन में खराब हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर ये आगे का कितनी है। ये किचन है, सामने चूल्हा होता था, ऊपर में दो चलने लगी है, एक एक चीज देखो किचन है। कहाँ है चिमनी? ये चिमनी थी, वो चिमनी हो रही है, ये चिमनी भाई साहब, चूल्हा जलता हुआ उधर भी है चिमनी। क्या जलाते थे? चूल्हा क्या जलाते थे? चूल्हा
ये ड्रेसिंग रूम है। अरे सब्जी के जूस से पेंट होता है। ओके, ये एकदम ओरिजिनल रियल पेंट है। ये जो पेंट आप देख रहे हैं ये सब्जियों के जूस से बना हुआ है। ये सर्दियों के लिए हीटर बनाया है। ये सर्दियों का हीटर है। यहाँ पे रानी हाथ साफ की थी बैठ के। अंदर में रानी के लिए क्या, ये जो बाहर वाले उनकी दासी होती है सर्वेंट की, उनका क्योंकि खाना ही खुद बनाती थी, खाने की दासी बनाती थी, ये दासी के लिए क्या। अभी पूरा हो गया सर्दी के लिए, तले हुए सर्दी के लिए पूरा हो गया। सारी वेजिटेबल्स मिक्स में वेजिटेबल्स का कलर है वो। वाह यार, तो देखा आपने किला कितना बड़ा है, और राजा ने अपनी 9 रानियों के लिए स्पेशली बनवाया था। और ये गाइड भैया जो हैं वो हम लोगों को सारी बातें यहाँ की बता रहे हैं, ये कि ये इनका किचन है, ये ड्रेसिंग एरिया है। अच्छा। ये राजा के लिए वो गैलरी है। राजा जब किसी रानी के पास जाता था तो दूसरे को पता नहीं चलता कि राजा किसके पास है। ये था राजा का छोटा बेडरूम। और मैं बहुत टाइम से जयपुर घूमना चाहती थी, तो आज पतिदेव ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। और पहले हम लोग का कहीं और जाने का प्लान बन रहा था, फिर कभी बताऊंगी कहाँ का प्लान था वो, लेकिन मैं जयपुर बहुत टाइम से जाना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे ये सरप्राइज़ दिया कि हम लोग जयपुर जा रहे हैं। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग जयपुर घूमने आए हैं। तो यहाँ से आपको पूरा जयपुर दिखाई देगा, मतलब पूरी सिटी आप यहाँ से देख सकते हैं नाहरगढ़ किले से। और बहुत ही प्यारा सीन था, इस समय सनसेट का टाइम था तो हम लोगों ने सनसेट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करी हैं। और यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो यहाँ से पूरा जयपुर सिटी आपको यहाँ से दिख रहा होगा, मेरे पास ही है। और क्या बताना चाहते हैं आप, हम कहाँ पे हैं? जयपुर में, बहुत बढ़िया लग रहा है आज तो। यू डोंट टच, बुलबुल ने बहुत अच्छी व्लॉगिंग की हुई है, एकदम नया सिटी आप लोगों को घुमाया हुआ है, तो इनका वीडियो अच्छे से देखिए, एंजॉय करिए। और आगे आपको और भी पूरा जयपुर जयपुर की सीरीज मिलने वाली है, जयपुर डायरी। राजा माधवेंद्र ने और जो नरसिंह हैं, नरसिंह भगवान की स्मृति में उनकी पूजा करने के लिए और जयपुर को यहाँ से देखने के लिए ये किला बनाया था। यहाँ पर उनकी 9 रानियाँ रहती थी, उनके अलग अलग 9 महल हैं, और यही यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है सनसेट। और ये यहाँ की उन्हीं के नाम पे, जयसिंह के नाम पर ही राजा मानवेंद्र ने जो नरसिंह हैं उनके नाम पर इस किले का नाम नाहरगढ़ पड़ा। और अभी वहाँ देखिए मून भी निकल रहा है, तो फुल मून भी दिखेगा। अच्छा लगा पीहू? अच्छा लगा ना, देखो जयपुर सिटी आपको दिख रही है, हम लोगों ने बहुत सारी फोटोज भी क्लिक कराई ना। और जयपुर आयो? जयपुर बढ़िया लगा। प्यार करो मम्मा को, फिर लव यू। थैंक यू, आई लव यू टू। आओ आओ, मैं गोदी ले लूंगी आपको। ऐसा
रानी का महल है ये नीचे, ये देखो ऐसे होता था, कबूतर की जालियां लगी है। तो यहाँ रानियां रहती थी राजा की, गजब की बात है, सोचना भी अपने आप में बहुत कमाल है। ये हमारी रानी आ रही है, ये देखिए दो, एक रानी एक राजकुमारी, ये हमारी। आ जाओ ये देखो, यहाँ से रानी का व्यू हुआ करता था। किसी जमाने में जो रानियां होती थी वो यहाँ से व्यू करती थी। ये है जी आपका व्यू पॉइंट। सो अभी हम लोग इस फोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और देखते हैं इसके आगे का क्या प्लान है, वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो खाना खाएंगे, जाते कहीं पे और फिर उसके बाद होटल रूम चलते हैं। कहाँ? तो चलिए मास्क लगा लेते हैं। तो ये देखिए पूरा किला कितना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पीहू थक गई थी तो पीहू अपने डैडी की पीछे पीठ पे चढ़ी हुई, फिर मैंने उसे गोद में ले लिया था। वो थक गई थी चल चल के, इसीलिए तो अभी वो मेरी गोद में बैठी हुई है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और पीयू बहुत ज़्यादा थक चुकी है, वो मेरी गोदी में चढ़ गई है। और अब मैंने भी अपना बैग वैग पैक कर लिया है, बैग साइड में टांग लिया है क्योंकि अब पीयू को लेना है मुझे गोद में, वो थकी हुई है। और अब बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने होटल रूम के लिए। बीच में हम लोग रुके थे डिनर के लिए, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग बहुत बड़ा हो गया था। और देखिए कितनी सुंदर छटा लगी हुई है, एकदम लाइट्स जल रही हैं, हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया है और एकदम ब्लिंगी ब्लिंगी सा कितना सुंदर लग रहा है ना। आप लोग को कैसा लग रहा है, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम पति पत्नी बहुत दिनों के बाद ऐसे घूमने निकले हैं, मतलब मैं और वर्मा जी। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में और अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम बता देती हूँ। टाइम हो रहा है 9:05 और आज का डे 1 जो था, हम यहीं पे अब कम इसको फिनिश करते हैं
और अब बस मैं चेंज करूंगी, अपनी नाइट ड्रेस पहनूंगी, फिर अभी इस व्लॉग का एंड कर देते हैं और कल स्टार्ट होगा डे टू। कल क्या क्या करने वाले हैं जयपुर की डायरी आपको बराबर पूरा मैं आपको शेयर करती रहूंगी। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।